देखिए, कर्पूरी जी की विचारधारा पर हमारी पार्टी, हमारे नेता चलते हैं। उनके साथ लंबे समय तक राजनीति की है, उनके विचारों को आत्मसात किया है, आगे बढ़ाया है। कर्पूरी जी के परिवारजन भी नीतीश कुमार जी के समर्थन में रहते हैं। उनके सुपुत्र रामनाथ ठाकुर जी हमारी पार्टी से राज्यसभा में सांसद है। लंबे समय से हमारे नेता, हमारी पार्टी ने इस मांग को उठाया है कि कर्पूरी जी को भारत रत्न मिलना ही चाहिए। केंद्र की सरकार ने फैसला किया है, हम इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं करते हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने आभार प्रकट किया है प्रधानमंत्री जी के लिए, और हम भी सब लोगों को बधाई देते हैं। ममता बनर्जी ने अकेले चलने का निर्णय ले लिया है, कांग्रेस को झटका लगा है, यात्रा बंगाल में प्रवेश करने के लिए। ये चिंताजनक विषय है। ये सर्वविदित है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने बहुत प्रयास किया, तब जाकर सभी विपक्ष के नेता एक साथ पटना में बैठते हैं, कारवां आगे बढ़ता है, इंडिया अलायंस बनता है। और अब जब समन्वय बनने का समय आ चुका है और सब कुछ जल्दी सुचारू हो जाना चाहिए, उस बीच जब इस तरह की खबरें, इस तरह के बयान, इस तरह के मंतव्य आते हैं, ये चिंताजनक विषय है गठबंधन के लिए। एक और चिंताजनक विषय हो गया है पंजाब में। आपने वहां अकेले चुनाव, 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य में आप और सबसे पुरानी पार्टी के बीच गठबंधन से इनकार कर दिया है। ये भगवंत मान जी तो ऑल इन ऑल नहीं है आम आदमी पार्टी में फैसला करने के लिए। अरविंद केजरीवाल हैं या उनकी पार्टी के जो सदस्य कोऑर्डिनेशन कमेटी में हैं, वो अंततोगत्वा निर्णय लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण खबरें हैं, चिंताजनक खबरें हैं, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। जब समन्वय बना है तो निश्चित रूप से बातचीत के बाद ही एक साझा बात सबके सामने आनी चाहिए। ममता बनर्जी के ऐलान के बाद अब इंडिया ब्लॉक में खलबली मची, आमने सामने आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। सीपीएम के राज्यसभा सांसद विकास ने उन्होंने मैंने कहा था कि पहली पार्टी जो हारेगी और दल बदल करेगी वह ममता बनर्जी है। उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं ममता बनर्जी को लेकर। देखिए, इन बातों से निश्चित रूप से सभी पार्टियों के नेताओं को बचना चाहिए। जब समन्वय बन चुका है प्रिंसिपली और यह नीति बनी है कि सब साझा चुनाव लड़ेंगे, उस दरमियान अगर इस तरह के दृश्य, इस तरह के मंतव्य, इस तरह की शब्दावली सामने आती है तो अच्छा नहीं लगता है। असम के धुबरी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि लोगों ने कहा कि मैंने भाजपा के बारे में कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की, लेकिन बीजेपी मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम और उड़ीसा में नफरत फैला रही है। यही कारण है कि हमने मणिपुर से महाराष्ट्र तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। देखिए भाई, अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, अपनी नीतियों के हिसाब से, विचारधारा के हिसाब से राजनीतिक कार्यक्रम जनता के बीच कर सकती है, किस पर पाबंदी? ये तो हमारे लोकतंत्र और देश के संविधान ने सबको अधिकार दिया, ये खूबसूरती है। राहुल गांधी जी लगातार जनता के बीच आकर अपनी बातों को कह रहे हैं, जनता का उनको रिस्पांस भी मिल रहा है। अब इसके नतीजे चुनाव में कैसे इन प्रदेशों में इफेक्ट करेंगे, ये जनता दिखा देगी।